नमस्कार दोस्तों, एमपी करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे 1 से 5 अप्रैल 2020 तक के मध्य प्रदेश समसामयिक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीडीएफ डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यहाँ से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर पाएंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। कौन से मोबाइल ऐप पर मरीजों की निगरानी करने के लिए मध्य प्रदेश के स्वयंसेवक अपनी सहमति प्रदान कर सकते हैं? वॉलंटियर जो हैं उसके लिए सार्थक मोबाइल ऐप बनाया गया है, इस पर कोई भी वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन कर सकता है मरीजों की निगरानी करने के लिए। और मध्य प्रदेश में सभी जिलों से लगभग 26,000 से अधिक स्वयंसेवक ने सार्थक ऐप पर कोरोना वायरस मरीजों की निगरानी करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है, यानी रजिस्ट्रेशन किया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से अनुमति प्राप्त टेस्टिंग लैब कौन सी है? अभी वर्तमान में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से जो टेस्टिंग लैब है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च और ऑन ट्राइबल हेल्थ जबलपुर, वहीं महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर और गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबकि गजराया चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर टेस्टिंग लैब नहीं है। दोस्तों लैब नहीं है की बात हो रही है, और इसके अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में भी कोरोना वायरस की टेस्टिंग लैब है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शुरू किए गए विशेष शैक्षणिक रेडियो कार्यक्रम के बारे में क्या असत्य है? तो ये असत्य है कि ग्राम पंचायत में एक गांव में यह प्रसारित किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये सभी जगह ऑनलाइन होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रदेश स्थित सभी प्राथमिक प्रसारण केंद्रों पर विविध भारतीय केंद्रों से एक साथ प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। लॉकडाउन अवधि में यह कार्यक्रम सोमवार से शनिवार प्रसारित होगा, रविवार की छुट्टी रहा करेगी। मध्य प्रदेश विनिमय अध्यादेश 2020 के अंतर्गत कितने 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट किसके लिए रखा है? मतलब ये 3,000 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बजट रखा है वह मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के लिए रखा गया है, संपूर्ण कोरोना वायरस के सुरक्षा के लिए रखा गया है। जो भी इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, जो भी स्वास्थ्य कर्मियों पर खर्च हो जाएंगे, लेकिन ये जो तीन ऑप्शन हैं वो गलत हैं। 3,000 करोड़ रुपए का रखा गया है बजट, वो कोरोना वायरस के लिए रखा गया है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुस्तक शब्दमानस भेंट की गई है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जो लिखी गई है वह ओपी श्रीवास्तव जी द्वारा लिखी गई है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। शब्दमानस पुस्तक में श्री रामचरितमानस की समस्त 14,611 शब्दों के अर्थ संदर्भ और उनसे संबंधित समस्त चौपाई दोहा सोरठा श्लोक छंद एक स्थान पर संकलित हैं। कोरोना वायरस की जांच के लिए पीपीई किट मध्य प्रदेश में पहली बार कहां बनाई जाएगी? ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है खुद के लिए सुरक्षा के लिए, यह इंदौर में बनाई जाएगी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश सरकार इंदौर की प्रतिभा सिंटेक्स कंपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई किट तैयार करवाएगी। मध्य प्रदेश में कहां पर प्रदेश की पहली फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन बनाई गई है? मध्य प्रदेश में पहली फुल बॉडी सैनिटाइजर मशीन भोपाल में ये बनाई गई है। भोपाल मध्य प्रदेश का पहला जिला है जिसने कोरोना से जंग के लिए बनाए गए बार रूम को संक्रमण से मुक्त कराने के लिए फुल बॉडी सैनिटाइज मशीन बनाई है। इस फुल बॉडी सैनिटाइज मशीन को उपायुक्त विनोद कुमार शुक्ल और सहायक यंत्री हवा हबीब और रहमान की टीम द्वारा निजी कंपनी के सहयोग से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना 19 वायरस संक्रमण के चलते समस्त खेल गतिविधि कब तक स्थगित कर दी गई है? ये कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 30 अप्रैल 2020 तक सारी गतिविधि स्थगित कर दी गई हैं। संचालक खेल और युवा कल्याण वीके सिंह ने प्रदेश के सभी स्टेडियम मैदानों पर संचालित खेल गतिविधियां प्रशिक्षण एवं अन्य प्रतियोगिताओं के लिए 30 अप्रैल 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया है। पूर्व में खेल गतिविधियों को स्थगित करने के लिए संबंध में यह अवधि 31 मार्च 2020 तक निर्धारित की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों के कितने प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है? ये कांग्रेस सरकार ने 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया था, लेकिन वो उस पर रोक लगा दी है शिवराज सिंह चौहान सरकार जब से आई है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 16 मार्च 2020 को शासकीय सेवकों के स्थायी कर्मियों
कि महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2019 से 2007 में वेतन में 5% की वृद्धि कर 17% करने का आदेश दिया था तथा छठवें वेतन में 10% की वृद्धि कर 164% करने का आदेश दिया था। इस महंगाई भत्ता का भुगतान मार्च 2020 के वेतन में किए जाने के लिए निर्देश दिए गए थे। वर्तमान में उक्त वृद्धि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। स्थायी रूप से नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए जिला स्तर पर किसकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है। ये जो निर्णय लिया गया है वो कलेक्टर की अध्यक्षता में लिया गया है। समूह में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड और जिला मुख्यालय के नगर निगम के आयुक्त को शामिल किया गया है। WHO तथा यूनिसेफ के माध्यम से प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर किस ऐप द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है जूम मोबाइल ऐप द्वारा। जूम मोबाइल ऐप द्वारा दिया जा रहा है। ये जूम है, जूम मोबाइल ऐप द्वारा ये कोरोना वायरस संबंधित प्रशिक्षण दे रहा है। नर्सों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब बात करेंगे जो पिछले क्वेश्चन था आपसे कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पूर्ण नाम क्या था। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो पूर्ण नाम था वह होलकर क्रिकेट एसोसिएशन था। इसका बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन है आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण करती है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है आपको बताना है ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर में से एक आंसर इसका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों हम आपको एक सूचना देते हैं कि जो MP डेली डैश सीरीज हमारी चल रही है रात को 10:30 बजे अपलोड होता है, उसमें हम MP GK और MP करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड करते हैं, जिसमें हम MP डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें अपलोड नहीं करा करेंगे, उसके लिए अलग से ही वीडियो आएगा जैसा आता है दोस्तों। हाँ उसमें करंट अफेयर MP करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल होंगे लेकिन 1-2 महीने पहले के होंगे दोस्तों, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाया करेगा और नए क्वेश्चन उसमें शामिल हम किया करेंगे जो हमारे MP डेली करंट अफेयर्स में छूट जाते हैं दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।